हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसन और मैदे के लड्डू की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसे आप घर में इजीली बना लोगे। और इसके लिए आपको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, मिठाई एक ऐसी रेसिपी होती है जिसे कि हर कोई ईजिली नहीं बना पाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक स्टेप भी गलत होने पर पूरा मिठाई ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली रेसिपी में अगर आपका स्टेप थोड़ा सा गलत भी हो जाता है, तब भी आपका सेम ऐसा ही मिठाई बनके तैयार होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन ले रखा है, और जितना भी आप लोग बेसन लोगे उसका हाफ आपने मैदा लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप मैदा ले रखा है, और एक कप मैंने यहाँ पे चीनी ले रखी है, और 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहो तो डालटा भी यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ हमें चाहिए एक लेमन, उसके जस्ट आधा चम्मच हमें लेमन चाहिए, तो एक लेमन ले रखा है मैंने। और उसके साथ यहाँ पे 3 से 4 पीस मैंने इलायची के ले रखे हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले रखा है, और इसमें हम अब घी को डाल देंगे, और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इस घी को पिघला लेना है अच्छी तरीके से। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब तक आपने इसे अच्छी तरीके से पिघला लेना है। तो धीरे धीरे ये पूरा पिघलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिघल चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले बेसन को डाल देंगे। तो बेसन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और उसके साथ ही आपने मैदा को भी इसमें ऐड कर देना है। तो मैदा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आपने एक चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है, और इसे आपने कम से कम 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पर तब तक मिलाना है, जब तक कि इसमें से हल्की सी सौंधी सी खुशबू ना आ जाए। तो जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, तो उसके बाद आपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ बहुत कम टाइम में बनने वाले फूड रेसिपी और उत्तराखंडी फूड रेसिपी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये मेल्ट होने लग जाएगा, और यहाँ पे अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और इसमें अब हल्की सी सौंधी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद आपने इलायची इसमें डाल देना है थोड़ा सा कूट के। तो इसे भी आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेना है इसमें। और अब बनाएंगे हम इसकी चाशनी। तो एक मैंने यहाँ पे फ्राई पैन ले रखा है, उसमें मैंने चीनी डाल दिया है, और जितना भी आपने चीनी लिया था उसका हाफ आपने इसमें पानी डालना है। और यहाँ पे आपने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, जब तक कि इसमें चीनी अच्छी तरीके से घुल ना जाए। तो अब हम इसमें आधा चम्मच नींबू के रस डाल लेंगे इसमें, और इसे डालने के बाद अब आपने गैस की फ्लेम को हाई कर देना है, और इसे कम से कम आपने 10 से 15 मिनट उबाल लेना है। तो धीरे धीरे ये चाशनी गाढ़ी होने लग जाएगी, और इसे आपने तभी तक पकाना है जब तक कि इस चाशनी में से छोटे छोटे बॉल ना बन जाए। तो लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि ये पका है या नहीं पका है अच्छी तरीके से। तो आपने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है, और उसमें इसकी थोड़ी सी बूंदें डालनी है, और उसके बाद हाथों की मदद से इसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसे इकट्ठा करने लगोगे तो ये हो जा रहा है, और उसी के साथ ये हाथ पे इजीली आ चुका है मेरे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो छोटे से बॉल है वो बनना शुरू हो चुका है, मतलब कि हमारा यहाँ पे चाशनी अब अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब आपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसे थोड़ी देर आपने ठंडे होने के लिए रख देना है। और अब आपने एक नॉन स्टिकी चौड़ा सा बर्तन ले लेना है, और अगर आपके पास नॉन स्टिकी बर्तन नहीं है तो आपने कोई सा भी बर्तन लेके, थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा घी लगा के आपने चाशनी को इसमें डाल देना है, ताकि इसमें चाशनी चिपक ना पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सारी चाशनी को डाल दिया है,
तो ये नॉन स्टिकी बर्तन तो है नहीं, बट मैंने इस पर घी लगा रखा है चारों तरफ से, अब इस पर चिपकेगा नहीं। तो अब एक चम्मच की मदद से आपने इसे कंटिन्यू इस तरीके से मिलाते रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का गर्म है, और आपने मिलाते रहना है जब तक कि ये इस तरीके का ना बन जाए। तो जब ये इस तरीके का बन जाएगा, देन उसके बाद आपने जो मिक्सर था उसे इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इस मिक्सर को भी इसमें डाल देता हूँ। तो अब आपने चम्मच की मदद से इसे भी अच्छी तरीके से दोनों को मिला लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का गर्म है, तो अभी इसमें हाथ हम इसमें लगा नहीं सकते। तो थोड़ी देर मिलाने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, और अब आपने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिलाते रहना है। इसे आपने कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मिलाते रहना है, ताकि इसमें जो चीनी है वो अच्छी तरीके से इस मिक्सचर में मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, और अब ये अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो अब आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो आप जितना भी आप चाहो तो क्वांटिटी रख सकते हो उसका अपने अकॉर्डिंग। आप छोटा बनाना चाहो तो छोटा बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा ही बना रहा हूँ इसे, और हाथों की मदद से आपने कुछ इस तरीके से इसे मिलाते रहना है। तो थोड़ी देर मिलाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके बॉल्स बनना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर और आपने इसे मिलाना है अच्छी तरीके से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बॉल्स था वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा से बना के दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आपकी हल्की सी मेहनत ज़रूर लगेगी, बट जो खाने के बाद इसका टेस्ट होगा ना, वो आपके सारे मेहनत को यहाँ पे भुला देगी। तो लगभग मेरे यहाँ पे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कटोरी बेसन में मेरा टोटल 16-17 यहाँ पर लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बेसन के लड्डू बनाना। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।